क्या राजस्थान की जयपुर पुलिस बकरा चोरी कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जयपुर के चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक कई ग्रामीणों के साथ कांग्रेस दफ्तर में लगाई गई जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर बकरा चोरी कर 2,000 रुपए में बेचने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, विधायक ने खेल मंत्री अशोक चांदना को बकायदा सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिए। ये आरोप कोटखावदा पुलिस पर लगी है। पहले सुनिए जरा विधायक जी ने क्या कहा। और कोई बदनामी नहीं है, पूरे के पूरे पुलिस की वजह से हम पूरे बदनाम हो चुके हैं। ये चिल्ला चिल्ला के विधानसभा में भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को भी कह चुके हैं कि इनको बदलो, अच्छे लोग लगाओ। कोई भी लगाते हैं, कोई लगाते हैं, नाम भी नहीं लगा। अभी कमीशन ने जब एसएचओ को खाता लगाया था तभी पूछा था, मैंने कहा आपकी इच्छा उसको लगाओ जो आपकी अच्छी। ग्रामीणों ने बताया कि 22 जुलाई को कोटखावदा थाने में बकरा बकरी चोरी का केस दर्ज करवाया गया था। बकरी तो मिल गई, लेकिन बकरा पुलिस वालों ने मिली भगत करके एक व्यक्ति को बेच दिया। इसके पूरे सबूत भी हैं। जिस व्यक्ति के पास बकरा मिला उसने साफ कहा कि यह बकरा उसे पुलिस वाले 2,000 रुपए में बेच कर गए हैं। जनसुनवाई कर रहे खेल मंत्री अशोक चांदना ने मामले में जाँच के आदेश दे दिए हैं। जाँच के बाद ये पता चलेगा कि पुलिस पर लगे आरोप कितने सही है।